सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि काल और महाकाल में क्या अंतर है। तो पहले आप ऐसा समझें कि जितने भी घटनाएं घटती हैं या जितने भी पदार्थ हैं, तो उनके स्वरूप में निरंतर जो बदलाव होते रहते हैं, पदार्थ के स्वरूप में, घटनाओं में, ये सतत बदलाव होते रहते हैं और वे काफ़ी सूक्ष्म बदलाव होते हैं जिसे हम नहीं जान पाते हैं, और कुछ हैं जिसे हम जान पाते हैं। जब बदलाव का काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो हम जान जाते हैं, अवधि काफ़ी लंबी हो जाती है, परिवर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो हम जान जाते हैं, अन्यथा हम नहीं जान पाते हैं। यानी सूक्ष्म परिवर्तन हम नहीं जान पाते हैं। कुछ सूक्ष्म यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म समय को, परिवर्तन को समझते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों से सबको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जब बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है समझ जाते हैं अंतर को। जैसे कि हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ एक घंटे में, लेकिन वह हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। यही जब 10 वर्ष की अवधि बीत जाती है तो हम अपना चेहरा देखते हैं, शरीर देखते हैं, तो वह परिवर्तन हो गया, क्योंकि उतने लंबे समय में जो उसमें सूक्ष्म परिवर्तन हुए वो धीरे 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 इतने ज़्यादा परिवर्तन हो चुके कि अब वह अंतर स्पष्ट दिख रहा है, अब स्थूल तल पर आ गया। तो जितने अंतर को हम समझ पाते हैं उसी अंतर को ही हम आँकते हैं और उसी को समय कहते हैं, काल कहते हैं उसी को। अब एक कपड़ा है, रखा 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 रखा, पुराना हो गया, इतना पुराना हो गया कि वो अपने आप ही टूट बिखर जा रहा है, छूते ही वो टूट जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? उसमें परिवर्तन हुए बहुत, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ऐसा हो गया कि छूते ही खत्म हो जाए, टूट बिखर जाए। तो उसमें जो सूक्ष्म परिवर्तन हुए वो हम समझ नहीं पा रहे थे, तो वह काल की अवधि जिसमें कि ऐसे जो परिवर्तन हो रहे थे, लगातार गुणों में परिवर्तन हो रहे थे, पदार्थ के स्वरूप जो हैं, सत रज तम, ये 3 गुण बताए गए हैं, इनमें जो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, तो उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन को जितना हम नोट कर सकते हैं उसी को हम समय की अवधि कहते हैं। और जब हम नोट कर रहे होते हैं तो वह जो परिवर्तन है, तो वह जो है हमारे देखने पर भी निर्भर करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। यानी अगर एक व्यक्ति जिसमें खुद भी परिवर्तन हो रहा है और जो इसको देख रहा है, इन घटनाओं के सिलसिले को, कर्म को देख रहा है, उसमें ही परिवर्तन हो रहा है, तो इसका जो आकलन होगा वो अलग समय पर होगा। अर्थात एक व्यक्ति खड़े होकर के जो ट्रेन देखेगा और एक व्यक्ति चलते हुए ट्रेन से जो ट्रेन देखेगा, तो दोनों में काफ़ी अंतर होगा समय अवधि में, समय में फर्क आ जाएगा। यानी घटनाओं के क्रम को, एक ही घटना है और उसके क्रम को एक व्यक्ति खड़े होकर देखता है, एक व्यक्ति चलते हुए देखता है, तो दोनों में के समय में अंतर आ जाता है। जो समय हम यहाँ देखते हैं और वही समय हम बाहर पृथ्वी के बाहर देखेंगे, तो उसमें हमें अंतर महसूस होगा। इसलिए जो ऊपर चले जाते हैं, सेटेलाइट में चले जाते हैं, तो उनकी जो समय अवधि होती है, वहाँ घड़ी जो दिखाता है वो अलग दिखाएगा, यहाँ के हिसाब से अलग होगा। पृथ्वी का टाइम ही वहाँ का टाइम नहीं होगा, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। यानी समय जो है तो सापेक्षिक होगा ही, पदार्थ भी सापेक्षिक है, समय भी सापेक्षिक है, घटनाक्रम भी सापेक्षिक है। घटनाक्रम की अवधि को ही आंकना है, वही समय। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म समय हम होता है, एक होता है जिसको हम आंक सकते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म समय, और एक होता है कि जो समय सूक्ष्म से सूक्ष्म है जिसको हम आंक ही नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है वह। तो अभी जो वैज्ञानिक सब आते हैं उसको तो प्लैंक टाइम कहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म समय, बड़े से बड़े समय को। तो
तो यह जो समय होता है उस समय को जिसको हम आंक सकते हैं वह काल की अवधि में आ जाएगा। और वह सूक्ष्म से सूक्ष्म समय जिसको आंका ही नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म है, यानी वो लगभग आप समझ लीजिए कि लगभग वह इनफाइनाइट हो गया है अपने सूक्ष्मता में। और उसी तरह से बड़े के बड़े समय में, यानी बड़े से बड़ी घटनाओं का जो समय का अंतराल है जिसको हम कई लाइट मतलब लाइट ईयर में आंकते हैं बड़े समय को, ये लाइट प्रकाश जो है कितने मतलब गति करे एक मिनट में, एक सेकंड में जितनी गति करता है, और एक सप्ताह में जितनी गति करेगा, फिर धीरे धीरे करते करते एक वर्ष में जितनी करेगा, उसको लाइट ईयर कहते हैं। वो बड़ा समय माना जाता है लाइट ईयर, लेकिन हम उससे भी बड़ा समय मान लीजिए निकाल लेते हैं, अगर ईयर की जगह जो है हम उसको लाइट मिलेनियम कह दें, यानी हम उसको लाखों वर्ष में गिनती, अगर समय का लाखों वर्ष को एक इकाई भी मान लेते हैं तो भी वो चलता जाएगा। कितना समय चला, कितना समय हो गया, कितनी दूरी वह चला जाएगा, तो वह जो समय की अवधि होगी बड़े से बड़े समय की अवधि, उसकी भी एक सीमा आएगी जब हम उसको आंक सकेंगे, उसके बाद फिर हम आंक नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश भी की भी स्पीड बहुत उसमें कम हो जाती है, बहुत उसका वैल्यू प्रकाश का भी क्या नगण्य जैसा है, 386 मील प्रति सेकंड है, ऐसे तो लगता है कि बहुत तेज है, लेकिन फिर भी इसका एक दायरा ही तो है। अगर कोई ऐसा हो, भले ऐसा अभी है या नहीं, अभी डिटेक्ट किया गया नहीं, बल्कि मान लीजिए कोई ऐसा हो जो 3 करोड़ किलोमीटर चलता हो सेकंड में, तब तो प्रकाश तो बहुत सूक्ष्म छोटा हो, उसके सामने वृद्धि हो जाएगा। तो अधिक से अधिक जितना भी हम कल्पना कर सकते हैं, हकीकत में वह हो या ना हो, कल्पना भी हम जितना कर सकते हैं बड़े से बड़े समय की इकाई का, उससे भी बड़ा जो इकाई हो जाता है रह जाए उसको ही महाकाल कहते हैं, वह भी असंख्य हो जाए। यानी वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको हम आंक नहीं सकते वह इन्फाइनाइट है, वह बृहत्तर इकाई जिसको हम आंक नहीं सकते वह भी इन्फाइनाइट है। तो यह जो समय की जो अवधि है, रेंज है, ये महाकाल का है पूरा, और इसके बीच का जो हिस्सा है जिसको हम आंक सकते हैं, माप सकते हैं, उसको काल में हम गिनते हैं, और वह हमारे नॉलेज पर निर्भर करेगा, हमारे ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करेगा कि हम कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े समय के अंतराल को आंक सकते हैं। तो यह काल और महाकाल है। महाकाल काल तो सिमट जाता है, काल का कंट्रैक्शन हो जाता है, काल अव्यक्त हो जाता है, अप्रकट हो जाता है, जब प्रलय के समय महाप्रलय जब होता है तो काल जो है सिमट जाता है, प्रलय में भी सिमटता है, महाप्रलय में पूरा सिमट करके अव्यक्त हो जाता है, पूरी की पूरी प्रकट है, लेकिन उस समय भी महाकाल रहता रहता है, महाकाल विद्यमान रहता है, काल तो उसमें सिमट जा करके लीन हो जाता है काल, लेकिन महाकाल लीन नहीं होता, महाकाल विद्यमान ही रहता है, और वह उस महाकाल के स्पृण से फिर काल का स्पृण होता है, जिससे कि सृष्टि का स्पृण होता है, यानी अव्यक्त स्थिति में भी महाकाल विद्यमान है। इसलिए महाकाल को कहा जाता है काल का ग्रास करता है महाकाल, यानी काल समा जाता है महाकाल में, पूरा रेंज सिकुड़ जाता है, मान लीजिए ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, इसके बीच का काल है, ये दोनों महाकाल है, अब ये सिकुड़ करके भैया महाकाल का बड़ा और छोटा सब उसको संभालेगा काल को, तो काल भले लीन हो जाए महाकाल में, लेकिन महाकाल विद्यमान रहता है। तो महाकाल की बहुत महिमा गाई है, और यह भगवान शिव का स्वरूप माना गया है महाकाल, क्योंकि यह जो है यही प्रलय कराता है, सबको लीन कर लेता है, तो महाप्रलय हो जाने के कारण महाकाल का महत्व होता है,
उसी को फिर सृष्टि करने में, फिर वहाँ जो है फिर से 17 तम तीनों गुण प्रकट हो जाएं, फिर से वह जो है ब्रह्मा की अवस्था मानी जाती है, जिसमें कि फिर से रचना होती है और ये महाकाल की प्रेरणा से फिर से ब्रह्मा रचते हैं। और फिर जो विष्णु कहे गए हैं, क्रियात्मक स्थिति जो होती है, तो वह फिर वहाँ से चलता है, यानी इसका जो विद्यमान रहते हैं ये सारे आश्रय पाते हैं विष्णु तत्व में। तो ये विष्णु तत्व, शिव तत्व और ब्रह्मा, ये सारे जो महाकाल के ही प्रभाव से, एक तरह से देखा जाए तो उनके ही प्रभाव से ही सृष्टि होती है और उन्हीं के ही उलट प्रभाव से प्रलय होता है, महाप्रलय होता है। तो इस तरह से चलता है, ये काल और महाकाल का ये अंतर है। तो काल से हम उसकी अभिव्यक्ति देखते हैं और महाकाल तो उसकी वास्तविक प्रेरणा है। तो हम काल को आंक सकते हैं, महाकाल को नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि वह इनफाइनाइट है। वह बृहत्तर इकाई में भी इनफाइनाइट है और सूक्ष्मतम इकाई में भी इनफाइनाइट है, अनंत है। यानी अपने सब्टिलिटी में भी वह इनफाइनाइट है और अपनी वह ग्रॉस लेवल पर भी वह जो है इन्फाइनाइट। इस कारण से महाकाल जो है वह एक शाश्वत सत्ता है, विद्यमान सत्ता है। काल को भी एक तत्व माना गया है सनातन धर्म, और वह ऐसा तत्व है जो आप देख नहीं सकते और जो वास्तव में वह तत्व अपने आप में मेजरेबल नहीं है। आप जो आंकते हैं वह घटनाओं के अंतराल को आंकते हैं, तो काल को आप आंकते हैं, महाकाल को आप आंक ही नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। और काल को भी जो आप आंकते हैं वह जो है अलग अलग बिंदु से आंकेंगे तो उसमें भी फर्क आ जाएगा, यानी वह एक कॉन्सेप्चुअल है। वह ऐसा तत्व है जो कॉन्सेप्ट में आता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में लाते हैं। वैसे सब्जेक्टिव है वह, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में हम लोग लाते हैं अपने सहूलियत के लिए। परंतु वास्तव में जो घटनाएं भी हैं वे इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उनके बदलाव को भी हम लोग उतना से ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम लोग बदलाव को आंकते हैं, उसके स्वरूप के बदलाव को, अवस्था के बदलाव को, धर्म के बदलाव को, उसके गुणों के बदलाव को, तब तक तो वह और बदल चुका होता है। तो हम सदैव जो है अतीत के ही संदर्भ में महसूस कर पाते हैं। वास्तव में हम लोग का जो एहसास होता है वह अतीत का ही होता है, यानी वह बीता हुआ काल, बीते हुए काल की घटना, बीते हुए समय का जो परिवर्तन होता है उसी में होता है, वर्तमान में कभी भी महसूस नहीं हो पाता है। वर्तमान में जिया तो जा सकता है, उसमें हुआ तो जा सकता है, लेकिन उसको अनुभूत नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभूत करने वाला फिर एक होगा, एक अनुभूत करने वाला है, एक अलग है। तो जब तक अनुभूत करने वाला है तब तक वास्तव में उसकी वर्तमान जो स्थिति होती है उसको महसूस आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सदैव एक महसूस करने वाला और एक महसूस होने वाला, ये दो अलग अलग फिर घटनाएँ हो जाएंगी और दो अलग अलग अवस्था भी हो जाएंगे, दो अलग अलग चीज़ें भी हो जाएंगी। तो इस कारण से महाकाल को आप महसूस नहीं कर सकते। महाकाल में आप लीन तो हो सकते हैं, उस समय आप वे ही हो जाते हैं, तो उस समय आप यह नहीं कह सकते कि मैं यह हूँ या मैंने महसूस किया। यहाँ पर मैं जो है गौण हो जाता है, वहाँ पर तो सिर्फ महाकाल महाकाल रह जाएगा। उस समय जो बोध होगा वो महाकाल का ही होगा
और वह बोध स्वरूप जो है वह भी काल ही बन जाएगा, वह काल तत्व हो जाएगा। तो बोध जब काल तत्व हो जाएगा तो आप काल को फील कर सकते हैं, महाकाल को फील कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। उसके पहले आप घटनाओं के रेंज को एक अनुमानित आप कुछ आकलन कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।